नमस्कार दोस्तों, सेविंग इज ए गुड आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रसिया का एक प्रोजेक्ट है अमूर में, जो चाइना बॉर्डर के नज़दीक है। ये विश्व के सबसे बड़ा प्लांट, गैस प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है, जिसमें हम लोग इंडियन आदमी वेल्डर फिटर लोग आके काम कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे यहाँ टेम्परेचर माइनस में ज़्यादातर रहता है। जिस समय अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय यहाँ का टेम्परेचर जो है माइनस में 12 या 13 डिग्री टेम्परेचर है। उसमें भी काम करना पड़ता है दोस्तों। जो बहुत सारे भाई लोग रसिया में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं इस मार्च महीना की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर जाता है दोस्तों। काम करने में बहुत कठिनाई होती है। बहुत सारे बिल्डर लोग का सपना होता है कि मैं रसिया में काम करूं और वहां से पैसा कमाऊं, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत सारे ऑफिस वाले से भी संपर्क किया जाता है कि बहुत सारे पैसा भर के आते हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमाने के लिए। लेकिन मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहाँ कमाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी तो कम है, लेकिन दिसंबर में माइनस 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। गर्म पानी को बाहर में 1 मिनट नहीं, हाफ मिनट भी रख दिया जाता है तो गिलास में जो है बर्फ़ जम जाती है। तो गर्म पानी को भी ऊपर उछाल दिया जाए, नीचे आते आते वो बर्फ़ बन के गिरता है, इतना ठंड है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ लोग काम करते हैं। मैं एक वेल्डर से भी मिलवाऊंगा जो काम कर रहे हैं अंबर में। यहाँ बूथ को अंबर बोला जाता है। मैं आपको प्लांट भी दिखाता हूँ। ये मरमुस्की गैस प्रोसेसिंग प्लांट है। ये 2 फेज में है। 1 फेज बन के तैयार हो गया है, 1 फेज अभी बन रहा है दोस्तों। ये बनने में अभी 2025 तक टारगेट है इन लोग का। 2015 से स्टार्ट है, 2025 तक टारगेट है। 10 साल का टाइम है, जिसमें लमसम काम निकल गया, लेकिन 2025 तक काम चलेगा। तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ कैसे काम होता है रसिया में। चारों तरफ आप देख सकते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएगा। जैसे इंडिया में पावर प्लांट में आप काम करेंगे दोस्तों, वहाँ पे कंक्रीट रहेगा, बालू रहेगा, खाली जगह पे हर चीज़ दिखाएगा। लेकिन यहाँ जहाँ खाली देखिएगा वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगा। उस बर्फ़ में काम करना है दोस्तों यहाँ। हाँ, इसके मुताबिक आपको कपड़ा देगा। यहाँ कबरोल मिलेगा। कबरोल इतना भारी रहेगा, नया नया में तो आदमी लोग का हालत ख़राब हो जाता है। 8 से 10 केजी तक कबरोल होता है, जो पहनकर वेल्डिंग मारा जाता है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट दूर दूर तक, बहुत लंबी प्लांट है और हर जगह आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगा। इस बर्फ़ में ही पूरा काम हो रहा है। यहाँ ज़्यादातर इंडियन लोग, वेल्डर आता है, फिटर आता है और फैब्रिकेटर भी कुछ आते हैं। ज़्यादातर वेल्डर ही आते हैं, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा लोग वेल्डर से ही काम करते हैं इधर। तो हम अब मिलवाता हूँ। आप एक इंडियन का ही वेल्डर है, वो वेल्डिंग मार रहे हैं बूथ में। वहाँ पर चलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसे वो मार रहे हैं, उनको क्या कठिनाई हो रही है। आपको अगर रसिया आना है तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या लेके आना है, तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। इसलिए ये वीडियो को पूरा देखें, तब मालूम चलेगा कि क्या क्या दिक्कत होता है रसिया में, हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये सारी बात हम आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, इसलिए मैं 2-3 फेज में बताऊंगा। और वेल्डर की बात करूं तो मैं भी एक वेल्डर ही हूं। यहां आने के लिए नास कार्ड होता है। जैसे इंडिया में आप IBR मारते हैं ना, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन की तरह कोई भी पावर प्लांट पर काम करते हैं तो आपको IBR मारना पड़ता है। उसी तरह यहाँ नास का ये गवर्नमेंट का है। आप नास्क जब तक नहीं मारेंगे तब तक यहाँ कोई प्लांट में आपको वेल्डिंग मारने नहीं दिया जाएगा। तो नास्क मारने के लिए आपको 15 से 16 पीस मारना पड़ेगा। फुल आरती होगा, हाफ इंची से लेके तो आपको 10 इंची तक मारना पड़ेगा। वो नास्क नास्ट कार्ड बन जाने के बाद आप यहाँ बिल्डिंग मार सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक अंबर है जहाँ पे बिल्डिंग हो रहा है। तो हम पता करते हैं कौन सा बिल्डर है, कहाँ से है और उनको क्या कठिनाई हो रहा है, कब से बिल्डिंग मार रहे हैं, जरा पता करते हैं। देखिए ये बूथ है चारों तरफ और ये बिल्डर बिल्डिंग मार रहे हैं। और नीचे के साइड में आप देख सकते हैं पूरा बर्फ ही बर्फ है। ये इनका मशीन है और ये देखिए इधर ओवन है और ये इनका ड्रेस है जो आप देख सकते हैं कितना मोटा ड्रेस है इनसे। हेलो ब्रदर, कहाँ से हैं आप? मैं इंडिया से भाई। ओह, इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया में गोरखपुर जिले से, यूपी से। एक गोरखपुर से बता रहे हैं दोस्तों, एक इंडिया गोरखपुर से आए हैं आप। कितना महीना हो गया बिल्डिंग मारते हुए? 3-4 महीना हो गया। हाँ 3 महीना हो गया। इनको बोल रहे हैं 3-4 महीना हो गया बिल्डिंग मार रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितना इंची का लाइन है? ये 12 इंच का, ये 12 इंची का लाइन है। अभी ये फिलअप करके फाइनल मार रहे हैं। तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है इधर? भाई दिक्कत तो बहुत सारा है, लेकिन क्या करें, दिक्कत इतना सारा है। देख रहे हैं शॉर्ट केबल एकदम पूरा, जब तक 5 से 6 रॉड जलाएंगे नहीं तब तक हीट नहीं हो रहा है। पूरा टाइट होल्डर हो रहा है ना, हेलमेट प्रॉपर है, हेलमेट भी नहीं प्रॉपर है। देखिए मेन बात है जो वर्दी है ना, वर्दी एकदम शरीर को ऐसे गांठ ले रहा है, एकदम थोड़ा भी घूमने नहीं दे रहा है, इतना मोटा है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये इनका प्रॉब्लम क्या है, मुंह से बोल रहे हैं तो वाष्प निकल रहा है। अभी मार्च का महीना है, माइनस में 14 डिग्री आज टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है। ये 12 इंची का लाइन मार रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जो मेरा होल्डर है वो होल्डर ठंडा के वजह से इतना तना हुआ रहता है कि वो हमें मारने में बहुत दिक्कत होती है। जब तक वो उससे आधा घंटा बिल्डिंग नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हीट होता है तब जाके मुलायम होता है रॉड। और इनका कबरोल है, ये बोल रहे हैं मेरा कबरोल से भी बिल्डिंग मारने में बड़ा दिक्कत होता है। हैंगलोज नहीं पहन सकते हैं, देखिए सरकार नहीं। ये बोल रहे हैं कि हैंगलोज जो है हमारा, हैंगलोज भी टाइट है, वो अंदर हाथ के अंदर जा नहीं रहा है। जो कबरोल है वो कबरोल इतना मोटा है कि हैंगलोज नहीं जा पा रहा है दोस्तों। कैसा शॉर्ट केबल है देखिए, और ये देखिए शॉर्ट केबल अपना दिखा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सीधा ही नहीं हो रहा है, टाइट है इतना, ये ठंडी की वजह से है दोस्तों। यहाँ जब भी जॉइंट मारना होता है तो इसको देखिए पतला शॉर्ट केबल है और ये ऐठा हुआ है, बहुत ठंडी है। हमको हम जब छू रहे हैं इसको तो हमें ठंडी महसूस हो रहा है। जब तक ये बिल्डिंग मार रहे हैं 2 घंटे, कितना देरी से बिल्डिंग हो रहा है? हो गया अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया। 1 घंटे से बिल्डिंग मार रहे हैं, उसके बाद भी ये शॉर्ट केबल जो देख रहे हैं इतना तना हुआ है। ऐसा प्रॉब्लम होता है। कितना सैलरी में आए हैं आप? $1100 आता है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ ये बोल रहे हैं US डॉलर 1100 में आता है, तो उसको इंडियन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो 85-90 हज़ार आएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना घंटा बिल्डिंग मारते हैं? वही 10 घंटे के आसपास में, मतलब उसी में 4-5 घंटा बच जाता है। हाँ ये बोल रहे हैं कि 10 घंटा का ड्यूटी है और जिसमें हम 5-6 घंटा बिल्डिंग मारते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों। अभी ये तो ठीक है, बाद में जो दिसंबर जनवरी आता है हमारी, आप दिसंबर जनवरी आता है तो माइनस में 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है। हम जहाँ जिस प्लांट से बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको नीचे के साइड में दिखाता हूँ इनका मशीन कैसा है। आप देख लीजिए ये 3 mm का रड मार रहे हैं, 12 इंची का जॉइंट है। चलिए अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं, आपको बताता हूँ थोड़ा और प्रोसीजर, ताकि आपको कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़े। आप नया नया आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। यहाँ काम करना बहुत ही कठिनाई होता है, लेकिन अप्रैल से लेके मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन माइनस में ही रहेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन नवम्बर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इतना ठंड है कि हाथ गोर काम करना बंद कर देता है दोस्तों। यहाँ जो पुराने लोग भाई लोग हैं उनसे हमसे बात होती है, बोलता है इतना ठंड है कि हाथ गोर काम करना ही बंद कर देता है। फिर बाद में लोग उसको हीटर से सेकते हैं तब जाके काम करता है। ऐसा प्रॉब्लम है दोस्तों। आप अगर रसिया आना चाहते हैं तो तो आइए, हमारे तरफ से नो ऑब्जेक्शन है, आप आ सकते हैं, काम करना है तो काम कर सकते हैं। हाँ, पैसा भी यहाँ है, अच्छी अच्छी प्लांट में, अच्छी अच्छी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। मैं बताऊं कि ये कंपनी जो जिस बिल्डर काम मैं दिखाया है बूथ में अंदर काम कर रहे हैं, वो पोंडेरा का बिल्डर है। पोंडेरा पर आवर्स $4 देती है जो SS बिल्डिंग मारते हैं उनके लिए, और जो CS बिल्डिंग मारते हैं उनको $3.5 पर आवर्स के हिसाब से मिलता है। ये अमूर गैस प्रोसेसिंग प्लांट है। अमूर गैस प्रोसेसिंग प्लांट जो हम आपको अभी सीन दिखा रहा हूँ, वो वर्ल्ड के सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट बनने जा रहा है दोस्तों। वर्ल्ड की सबसे बड़ा, रसिया के तो बड़ा प्लांट है ही, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लांट ये बनने जा रही है। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए रसिया के लिए, आप नास्क क्या होता है, नास्क ID क्या होता है, और नास्क का टेस्ट कैसे होता है, और ये जानने के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि क्या नास्क होता है, नास्क ID क्या होता है, उससे आप कैसे बिल्डिंग मारेंगे, कैसे क्या होगा, वो सारा चीज़ आप हमें कमेंट करिए। कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, चंदन भाई ये वीडियो बनाओ, यहाँ कैसा काम होता है, कैसे लोग SS का बिल्डिंग मारते हैं, कैसे CS का बिल्डिंग मारते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो तो लंबा हो रही है, इसके लिए मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगला बार फिर दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा, आपके हिसाब से जैसा आप कमेंट करेंगे उसी टाइप से मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो चलिए, मैं आपका होस्ट चंदन कुमार, सेविंग इज ए गुड आइडिया मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हर वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह का मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा जिससे आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर आप रसिया आने के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी हो रहा है, वो सारी चीज़ अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें मालूम चलेगा। उसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं दोबारा फिर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।